हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूँ स्मृति और एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने किया ये गोल्डन और ऑरेंज कलर में कट्रीज आई मेकअप। आई होप आपको आज का आई मेकअप पसंद आएगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ दैट आर ऑल लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले मैं अपने आई बेस को कंसील कर रही हूँ यूजिंग लिक्विड कंसीलर जो कि स्पेस ब्यूटी का है, एक कंसीलर ब्रश के हेल्प से। इसे अच्छे तरीके से पूरे आईलाइट पे स्प्रेड कर रही हूँ और एक इवन सा टोन मिलेगा मेरे आई बेस को, जिससे कि सारे कलर्स जो आई शेडोज़ हैं वो अच्छे से दिखाई देंगे, बहुत अच्छा पॉपअप होके कलर्स आएंगे। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है जितना भी प्रोडक्ट था ब्रश पे, एंड उसके बाद उसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो स्पॉन्ज एप्लीकेटर अब्सॉर्ब कर ले। उसके बाद थोड़ा सा लूज पाउडर से यहाँ डस्ट कर रही हूँ जो कि लैक्मे का है, और अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सम ऑरेंज कलर जो कि बहुत डार्क ऑरेंज है, और एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं उसे अपनी क्रीज एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे मेरे जो आई शेडोज़ हैं वो अच्छे से शेप में रहेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे टेढ़े मेढ़े। तो मैं पहले एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज एरिया पे थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। तो जो भी शेड्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सब ब्यूटी ग्लेज्ड कलर स्टूडियो पैलेट से यूज़ कर रही हूँ, और शेड का मैं इमेज दे रही हूँ स्क्रीन पर ही। दोनों ऑरेंज कलर्स को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है हमें। मैंने जो ब्रश यूज़ किया है यहाँ पे उस पर कोई भी आई शेडो अप्लाई नहीं किया है, तो जो मैंने अप्लाई करे थे आई शेडो उन्हीं को हमें ब्लेंड करना है। तो अच्छे तरह से ब्लेंड कर लीजिए। दोनों शेड्स आपस में ब्लेंड हो जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिक्विड कंसीलर जो स्टार्टिंग में यूज किया था उसी के हेल्प से क्रीज ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अच्छे से दोनों शेड्स ब्लेंड हो गए हैं आपस में। अब मैं एक कंसीलर ब्रश जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था उसी ब्रश के हेल्प से यहाँ पे क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ सेक्शन को। हमने हाफ लेड ही कवर की है इससे, एंड उसके बाद मैं इस पे लगा रही हूँ रिवर्सल पैलेट से, ब्यूटी ग्लेस रिवर्सल पैलेट से थोड़ा सा गोल्डन शेड। आप किसी भी पैलेट से गोल्डन कलर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है। तो मैं गोल्डन कलर इससे अप्लाई कर रही हूँ, आप किसी भी पैलेट से यूज़ कर सकते हैं। एंड कंसीलर ब्रश पे थोड़ा सा मैंने आईशैडो ब्रश पे मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला डार्क ऑरेंज कलर अप्लाई किया, और उससे मैं आउट ऑफ भी संभाल रही हूँ। एंड उसके बाद थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर जो मैंने सेकेंड शेड अप्लाई किया था उसे अप्लाई कर रही हूँ, और गोल्डन वाले के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सब कुछ काफ़ी सीमलेस लगे और अच्छे से ब्लेंडेड लगे। मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर का स्पार्कल अप्लाई किया है यहाँ पे, प्रेस्ड ग्लिटर अप्लाई किया है एक छोटे से डायगोनल ब्रश के हेल्प से। ये मेरे लुक को और ज़्यादा एनहांस करेगा। आप कोई सा भी प्रेस्ड ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। जो मेरा आउटर वी पे विंग होगा उसका जो बॉटम एरिया है मैं उसे थोड़ा सा स्मोकी रख रही हूँ, आजकल ये काफ़ी फैशन में है। तो मैं जो आउटर वी का लोअर पार्ट होगा उसे थोड़ा सा स्मोक आउट कर लूँगी। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। धीरे धीरे देखिए मैं ब्रश को ऐसे अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि मेरा जो आईलाइनर का जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो आउटर वी पे जो मेरा लाइनर है थोड़ा सा वो स्मोकी सा हो जाए, और जो मेरा एक्सेस प्रोडक्ट होगा मैं उसे वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी एज अ काजल। इनर वी भी एक्सटेंड कर रही हूँ मैं इस बार। तो जो काजल यहाँ पे मेरे ब्रश पे लगा रह गया था उसी एक्सेस प्रोडक्ट को मैंने वाटर लाइन पे अप्लाई कर लिया है, और ये लैक्मे का जेल काजल है जो थोड़ा सा अनइवन सा दिख भी रहा है, उसकी कोई टेंशन मत करिए क्योंकि अभी हम इसको आई शेडो से ब्लेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो लिया है और उसे काजल के साथ ब्लेंड कर रही हूँ।
उसके बाद मैंने जो स्टार्टिंग में डार्क ऑरेंज कलर अप्लाई किया था आई शेडो का, वो मैंने लिया और उसके साथ भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो मेरा जो आउटर वी पे मेरा जो ये विंग है आईलाइनर का, इसके साथ भी मैं इसके लोअर एजेस को भी ब्लेंड कर लिया है। एंड उसके बाद मैं उसी छोटे ब्रश के साथ यहाँ पे थोड़ा सा आई शेडो सॉरी थोड़ा सा हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्राउ बोन पे। एंड लास्ट में लगा रही हूँ मस्कारा, मेबेलिन न्यूयॉर्क हाइपर कर्ल मस्कारा है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और इसे अप्लाई कर रही हूँ दोनों लैशेस में अच्छी तरह से। सो आई होप आपको आज का आई मेकअप पसंद आया हो। वीडियो से जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, एक नए मेकअप लुक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।